हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की थी, जो ट्रेडिंग की वीडियो था उस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि ऑन मंथ थीम के यूज करके मल्टीपेंडर का 160 किस तरीके से बनाए। लगभग मैंने आपको 2 घंटे तक खबर बताया था, जिसमें 2 घंटे तक ट्रेनिंग दी, ऐसे में 2 घंटे तक ट्रेनिंग दी थी। हाँ, उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि अलीबाबा अमेजोन टाइप की वेबसाइट अगर आप ऑन मंथ थीम के साथ यूज करेंगे, इसे मैंने आपको ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के रिगार्डिंग बताने की कोशिश की थी। लेकिन आप जो देख रहे हैं यहाँ पे 2 मोबाइल का सैंपल्स भी हैं, मोबाइल के सैंपल्स के बारे में मैं बता नहीं पाया था क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था, 2 घंटा ऑलरेडी हो चुका था। इसलिए मैंने आज सोचा कि जो चीजें कुछ बातें रह गई हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सी कुछ बातें रह गई हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप से बिजनेस करना, इस तरह से मोबाइल का ट्रेंडिंग होना, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। और इसके अलावा ये WCF मार्केट प्लेस का यूज करके मल्टीवेंडर का इस तरीके से बनाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं कुछ पॉइंट्स नोट किया हूं कि जो इम्पोर्टेंट है, कि वो है आपका WCF के जरिए से मार्केट प्लेस इस तरीके से बनाएंगे, मल्टीवेंडर के साथ कैसे बनाएंगे, आप मोबाइल का व्यू जो लुक लाइक ऐप हो, ऐप की तरह से किस तरीके से दिखेगा, जैसे आप देख रहे हैं फोटोज में यहाँ पे ऐप की तरह से दिखाया गया है, तो इस तरीके से हम मोबाइल का व्यू और वेबसाइट का व्यू डिफरेंट किस तरीके से बनाएंगे, ये भी चीज हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करना है, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, इस तरह से मोबाइल व्यू का पेज बनाना है, सेटअप करना है, इसका मोबाइल मेन्यू का लेआउट यूज करना है, दो टाइप का मोबाइल मेन्यू का लेआउट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें काम कर सकते हैं। वॉलेट सिस्टम है, कैशबैक ऑप्शन से वॉलेट सिस्टम आप बनाना चाह रहे हो आप बना सकते हैं। पेमेंट गेटवे की सिस्टम है, शिपिंग सेटअप है, और आज के डेट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट्सएप बिजनेस। जी हाँ, व्हाट्सएप बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका क्लाइंट सबसे ज्यादा जो कनेक्ट होते हैं वो व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू होते हैं। इसलिए व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में भी हम जानेंगे कि किस तरीके से हम व्हाट्सएप में बिजनेस करेंगे और जो आपका प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट्स को व्हाट्सएप के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। जैसे मैं भी ज्यादातर जो है व्हाट्सएप से बिजनेस करता हूँ, तो ये किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये अभी लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि ये वीडियो का जो हमने बना के दिखाया था आपको कि यहाँ पे इस टाइप से आप मार्केट प्लेस अपने दिखा सकते हैं, और वो चीज मैंने करके भी दिखाया था मार्केट प्लेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका लॉग इन कर लेता हूँ क्योंकि इसका जो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब ये तीसरा पार्ट है जो मैं कवर करने जा रहा हूँ, और ये तीसरे पार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका मोबाइल से रिलेटेड बात होगी, क्योंकि पहले 2 पार्ट में एक पार्ट में वेबसाइट से रिलेटेड बात की थी, और वही वेबसाइट आज अगर हम मोबाइल में बनाएंगे, मोबाइल का व्यू लेंगे, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं मोबाइल व्यू के बारे में बात करूं और मोबाइल व्यू के बारे में चीजें बताऊं, कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि आपका मार्केट प्लेस में जो मार्केट प्लेस है, उस मार्केट प्लेस की चीजों को आप WFM के थ्रू हम क्या यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले ये देखा था, ये जाना था कि दुकान प्लगइन के थ्रू हम मार्केट प्लेस बनाए थे, आज हम यहाँ पे WCFM मार्केट प्लेस के थ्रू हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप फ्री प्लगइन भी यूज कर सकते हैं, फ्री प्लगइन भी बहुत अच्छा प्लगइन है, और इसका पेड वर्जन भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, जैसा आप करना चाहें आप कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे आपको फ्री प्लगइन यूज करके ही दिखाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर आप ये चीज अगर आप पेड प्लगइन लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। मैं आपको पेड चीजों की ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, अक्सर चीजों में देखते होंगे, क्योंकि वहां पे फ्री बहुत कम ही होता है। रीजन ये होता है कि आप फ्री में वो सारी चीजें नहीं आ पाती है जो सेटिस्फेक्शन करना चाह रहे हैं, एज अ प्रोफेशनल यूज के लिए करना चाह रहे हैं। बट अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट में है तो स्टार्टिंग पॉइंट में आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जब आपका धीरे 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 सेटअप हो जाए तो आप पेड में भी जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप जैसा करना चाहें वैसा करना, ठीक है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले अभी दुकान प्लगइन को मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है। इसके बाद हम करेंगे एक मल्टीवेंडर जो प्लगइन है वो प्लगइन के थ्रू हम इसका मल्टीवेंडर का ऐप बनाने देखेंगे, वेबसाइट का सेटअप करेंगे। ये है WCFM मार्केट प्लेस, ये बेस्ट है मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग। आप ये आपका फ्रंट एंड के लिए यूज कर सकते हैं या आपका बैक एंड के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों चीजें आप एक साथ यूज कर सकते हैं, दोनों का कंपनी एक ही है। आज डेवलप बाई है यही एक आपको ये जो है आपको फ्रंट एंड के लिए दिखेगा या आपका बैक एंड के लिए सेटअप है। तो मैं दोनों इंस्टॉल कर लेता हूँ वन बाय वन करके, दोनों इंस्टॉल करके ये चीजों को मैं देख लेता हूँ कि किस हिसाब से इसको करना है, कैसे ये सेटअप होगा, किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ। इसके अलावा अगर आप ग्रोसरी की बात कर रहे हैं तो ग्रोसरी की बात में कुछ चीजें होती हैं जिससे आपका टाइमिंग का है, सीटिंग का है, तो वो ग्रोसरी के पार्टिकुलर में एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें बताऊंगा कि ग्रोसरी के लिए आप मल्टी वेंडर एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग डिलीवरी बॉय के किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे मैनेज करेंगे और तो वो किस टाइप से काम करेगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सारी डिटेल्स बताऊं तो आप मुझे कमेंट्स करें और बताएं कि मैं आपके लिए चीजें बनाऊं, या अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है जो रिक्वायरमेंट का इसमें नहीं आ पा रही है तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, ताकि मैं इनका नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। खैर, यहाँ पे हम बात कर रहे थे WCFM मार्केट प्लेस के बारे में। तो ये मार्केट प्लेस बहुत अच्छा है, यूनिक सा है, इसमें कई वेबसाइट डिजाइन किया है, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन किए हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ एक्टिव। अब ये फ्रंट एंड, ये जो फ्रंट एंड है इसमें क्या क्या होगा, ये चीज बैक एंड क्या क्या होगा, ये इसमें हम चीज भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस के साथ सेटअप करने के लिए मिलेगा, वो मार्केट प्लेस मिलेंगे, विद इन मिनट्स के अंदर मेरा मार्केट प्लेस सेटअप हो जाएगा। लेकिन फ्रंट एंड में ये सेटअप है आपका शॉप के सेटअप करने के लिए मिलेगा, इसके साथ साथ वेंडर का सेटअप है, ये एक प्रोडक्ट्स की वेंडर के जो प्रोडक्ट्स है उसकी सेटअप है, चाहे आपको दुकान के थ्रू हो या फिर आपका वेंडर के थ्रू, दोनों चीज आप एक साथ इसमें कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपका बैक एंड का मैं यूज कर लेता हूँ। बैक एंड का यूज करके मैं देखता हूँ कि किस हिसाब से काम करेगा। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप के जो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने के लिए कहेगा, ये आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये आपका आ चुका है, वेलकम का एक सेटअप आ चुका है, इसके अंदर का आप देख सकते हैं ये सारे सेटअप का ऑप्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेटअप करना और देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें मिलता है। ये देखिए डैशबोर्ड के सेटअप आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितनी सारी चीजें इसमें आपको दिया हुआ है। आपका डैशबोर्ड में आपको सबसे पहले यहाँ पे फुल व्यू का है, हेडर थीम का है, ये आपका सिंक मेन्यू का है, इसके अलावा हेडर पैनल है, बॉक्स है, कम बॉक्स है, चेकलिस्ट व्यू है, एक्सेस क्विक व्यू है, ये आपका एक बटन मिलेगा, फ्लोर बटन मिलेगा, इसको आप ऑन करना चाहें ऑन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि एक्सेस देना चाहें देख सकते हैं, वो आपकी इच्छा, बट अगर इसको आप ना दे तो बेटर है, हम इसको एज ए कंटिन्यू यूज करते हैं और चलते हैं आगे। मार्केट प्लस सेटअप की, मार्केट प्लस सेटअप में आप अगर यहाँ पे स्टोर रखना चाह रहे हैं स्टोर रख सकते हैं, या फिर आप दुकान रखना चाह रहे हैं दुकान रख सकते हैं, वो आप जैसा चाहे, या सेलर रखना चाह रहे हैं आप सेलर रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे विजुअल सोल्ड बाय, ये अगर आप दिखाना चाहते हैं ये तो आप दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं उसको नहीं दिखा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। इसके बाद ये एडवांस लेवल की है, सिंपल लेवल की है, वो आप आराम से कर सकते हैं। यानी आप किसी प्रोडक्ट्स को आप ये दिखाना चाह रहे हैं किसी तरफ से ये बेचा जा रहा है या कौन से संदेश है, तो उसके थ्रू आप दिखा सकते हैं,
बिलो एड टू कार्ट ये बिलो चाहिए सही है, एड हेडर ठीक है, ये भी ठीक है, या फिर ये ठीक है। इसके अलावा यहाँ गूगल एपीआई की अगर आपको ये जानना हो, ये बनाना हो, आप बना सकते हैं गूगल एपीआई की, आप उठा सकते हैं, उठा के आप उसको गूगल एपीआई की डाल सकते हैं ठीक है। इसके लिए आपको सारा सेटअप करना रहेगा, सेटअप करके आप यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मेरे केस में ऑलरेडी मैंने सेटअप कर रखा है एक गूगल एपीआई के लिए, इसमें हमारे क्या मुझे अपने गूगल एपीआई की लेना रहेगा, तो गूगल एपीआई के बारे में बात नहीं करूंगा अभी तक हम कंटिन्यू के लिए। गूगल एपीआई के लिए आप जब फर्स्ट टाइम सेटअप करेंगे तो उसमें आपको तो कार्ड वगैरह का फॉर्म वगैरह सारी चीजें आपको लगेगा ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ चलता हूँ सेटअप की तरफ। यहाँ पे आप कमीशन बेस्ड कर लेना चाह रहे हैं, किस हिसाब से लेना चाह रहे हैं, एडमिन बेस्ड है ये कर, जो भी करना चाह रहे आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, वेंडर बेस भी करना चाहे, एडमिन बेस करना चाहे, फिक्स परसेंटेज करना चाहे, तो दोनों रखना चाहे तो मैं यहाँ पे दोनों रखता हूँ, परसेंटेज भी और फिक्स दोनों रखता हूँ, जैसे चाहे वो आप कर सकते हैं, या फिर ऐसा है कि फिक्स रखना चाहे आप फिक्स रख सकते हैं कि मंथली बेस पे अगर फिक्स रखना चाहे वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मंथली बेस लेता हूँ तो मैं 100 रुपीज पर ठीक है, 1000 रुपीज पर ठीक है। शिपिंग कॉस्ट ये आपका ऑन रहेगा या वेंडर करेगा या आपकी शायद टैक्स और वेंडर वेंडर टैक्स करेगा ठीक है, ये भी ठीक है। कमीशन आफ्टर कंसीडर एडमिन को कॉल टू ये कर सकता है। कमीशन टैक्स सेटिंग, अगर टैक्स सेटिंग का कभी कमीशन अगर आपको चाहिए तो भी आप इसे एनेबल कर सकते हैं, बट इसको अभी ऑफ रखता हूं ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू पर सेटअप करें। कंटिन्यू पर सेटअप करने के बाद अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू सेटअप करेंगे तो यहाँ पे आपका विथड्रॉ पेमेंट का सिस्टम आ जाएगा कि आप पेमेंट का सिस्टम लेना चाह रहे हैं, लिमिटेशन कितना रखना चाह रहे हैं, आप सिक्योर कितना रखना चाह रहे हैं, लिमिटेशन रखते हैं ठीक है। और इसका जो है 1000 रुपीज के आप 1000 रुपीज कर दिए आप उसमें पैसा विथड्रॉ करा सकते हैं ठीक है। कैश पे है, स्क्वायर है, जो भी आप इसमें बैंक ट्रांसफर या जो गूगल पे फोन पे भी अगर करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे विथड्रॉ में कोई चार्जेस है नहीं है, यहाँ पे एक रिवर्स विथड्रॉ सेटअप अगर ये चाहते तो आप उसके लिए करेंगे खास ये आप सीओडी पे कुछ अगर करेंगे तो ये चीजें कैश ऑन डिलीवरी के अगर करेंगे आप तो ये चीजें कर सकते हैं, या खुद पैसे देंगे वो चीजें कर सकते हैं आपको इच्छा है। बट आप ऑनलाइन कर रखेंगे तो ट्रांजेक्शन पे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, रिपोर्ट बाकी रहेगा तो वही ज्यादा बेटर है। अब बात कर लेते हैं इसमें कलर्स की, तो कलर्स आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं, आप जिस हिसाब से कलर्स आप चाह रहे हैं। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे ब्लू है क्योंकि मेरा वेबसाइट कलर भी ब्लू है, इसलिए मैं इसका ब्लू भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ठीक है, ब्लू ब्लैक भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये आपकी इच्छा है, आपके जो भी कलर थे उस कलर से आप इसको चेंज कर सकते हो ठीक है। इसके बाद आप कर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू के बाद अब देखते हैं इसके आगे का सेटअप, इसका बैक एंड एक्सेस वेंडर को देना है, इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, बाकी सारे पैसे रखना है, यानी ये सबमिट प्रोडक्ट सबमिट कर सकता है, प्रोडक्ट पब्लिश कर सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट अप्रूवल के बाद पब्लिश होगा तो उसका ऑन ऑफ कर सकते हैं, अगर लाइव प्रोडक्ट से यूनिक प्रोडक्ट हो सकता है, ऑनर अपडेट रिपोर्ट ये सारी चीजें वो वेंडर जो है कर सकता है। इसके बाद आगे के सेटअप है, ये आपका रेडी हो चुका है सेटअप, आप इसमें जो गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं और देखेंगे तो खूबसूरत सा एक वेंडर सा एक सेटअप आ चुका है देखिए, इतना खूबसूरत सा वेंडर सेटअप है। ये आपका दुकान से भी बढ़िया है, इसलिए बढ़िया है कि जैसे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, जैसे मीडिया का है, आर्टिकल का है, यानी अगर कोई इसमें आर्टिकल सबमिट करना चाह रहे हैं, पोस्ट या कोई न्यूज सबमिट करना चाह रहे कर सकता है वेंडर। इसके अलावा प्रोडक्ट्स हैं, विथड्रॉ का कूपन का है, वेंडर के कस्टम रिफंड सेटिंग, बहुत सारी चीजें कैपेबिलिटी के रखी हुई ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ खास चीजें हैं कि आप इसमें एक अपने हिसाब से आप अपने फॉर्म को यानी वेंडर के फॉर्म है उसको फॉर्म को आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स आ चुके हैं जो आपके
एडमिन पैनल में, क्योंकि ये चीजें आपके परीक्षा आपकी इच्छा अगर आप उसे एक्सेस देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो वो आपके जैसे मैंने इलाज प्रोडक्ट में अपडेट किया था, इलाज प्रोडक्ट में अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं ये डिलीट कर, ठीक है, डिलीट कर देगा, ठीक है। इस हिसाब से आप आर्टिकल्स वगैरह भी डालना चाहें आप आर्टिकल्स डाल सकते हैं। तो इसका जो होम पेज है, होम सेक्शन है, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का शेयर का लुक तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें क्या आप देखें कि इसमें सबसे पहले आपको ज्ञान मिल जाएगा कि कितना आपका लास्ट 7 डेज में आया, कितना कमीशन है, कितने सोल्ड हुआ, कितने प्रोडक्ट ने रिसीव किया है ये लास्ट 7 डेज के अंदर। फिर इसमें आपका ये स्टोर का जो एनालिटिक्स वो दिखेगा, सेल प्रोडक्ट्स का दिखेगा, नोटिफिकेशन का इंक्वायरी अगर इंक्वायरी यहाँ पे इंटरेस्टेड है स्टेटस यहाँ पे दिखेगा, और लेटेस्ट टॉपिक के बारे में, लेटेस्ट न्यूज वगैरह के बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं। इसको इस पार्टिकुलर इसमें अगर कोई आपका नए ऑफर्स हैं या नई चीज सबमिट करना चाह रहे हैं तो आप नए ऑफर्स या जो ब्लॉगिंग की शक्ल में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हैं, आप लोग मैनेज कर सकते हैं एज ए ब्लॉगिंग। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है कि आप इसमें जब आप वेंडर को समथिंग का ऑफर देंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि वेंडर का वहां पे कुछ मिसमैच भी यूज कर सकता है, यानी आप जो समझ लीजिए कि वो प्रोडक्ट्स को डिलीट कर सकता है या फिर इमेज डिलीट कर सकता है, तो ऐसी सूरत में क्या करें उनको प्रोडक्टिविटी का ऐसी चीज लोगों को वेंडर ना बनाए या फिर ऐसी चीज दूसरे आपका खतरा हो या फिर अगर ऐसे लग रहा है तो उनका खतरा है, तो आप क्या करें सिर्फ उस उनको जब प्रोडक्ट्स की परमिशन दे दें, प्रोडक्ट डाल पाए वगैरह ना कर पाए, मीडिया की परमिशन ना दें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये आपके इच्छा है, आप दे सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, यहाँ पे अभी मेरे पास इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं एज ए एडमिन हूँ इसलिए इस तरह के सारे चीज दिख रहे हैं, बट अगर एज ए वेंडर की बात कर लें तो वेंडर में ये सारी चीजें नहीं दिखती। जैसे मैं इसकी बात ये कर लू बात कर लू तो ये मैं एज ए वेंडर मैं एक दुकान सेटअप करता हूँ, इसके लिए हमें पेज पे जाना पड़ेगा और पेज पे जाने के बाद यहाँ पे हमें फॉर्म की सेटअप करनी है, यानी एक वेंडर के फॉर्म की सेटअप करनी है, वेंडर का फॉर्म को उसको दिखाना है किस हिसाब से होगा नहीं होगा वो चीज हम सेटअप करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ये है वेंडर का फॉर्म, ठीक है, ये वेंडर का फॉर्म है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, बट इस फॉर्म को आप जैसा चाहें जिस हिसाब से चाहें इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको आप डिफरेंट डिफरेंट अंदाज के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, जी हाँ। तो ये है आपका वेंडर का फॉर्म जिसमें बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है कि आप ईमेल आईडी, स्टोर का नाम, पासवर्ड, बस सिंपल ऑप्शन, ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे मैंने सेलर का ऑप्शन चूज किया, जिसमें सेलर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपका स्टोर का नाम, ठीक है। लेकिन ये चीज हमें क्या है बहुत अच्छे हिसाब से अच्छे से हमें बढ़ाना है, ये चीज इसमें कुछ और सेटअप करना है, इसमें एक फॉर्म के अंदर बढ़ाना है तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये चीज देखने वाला था कि क्या क्या चीज है, तो मैं अब आ जाता हूँ उसके वेंडर के अकॉर्डिंग, वेंडर के एक वे क्या क्या फॉर्म बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। इन वेंडर के फॉर्म का काम करने से पहले हम जिसका जो फ्रंट एंड है जो मैंने इंस्टॉल किया था फ्रंट एंड के लिए वुड में जी फ्रंट एंड प्लगइन भी इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंबरशिप प्लगइन भी इंस्टॉल हो चुका है, ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या करें कि हम सबसे पहले इसका फॉर्म चूज करते हैं, यानी कि वेंडर का जो फॉर्म है उस फॉर्म को हम अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं जिसमें सिर्फ ईमेल आईडी है, स्टोर का नाम है, नाम कुछ नहीं है, तो ये सब चीजें अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा सेटिंग के अंदर, मैं सेटिंग में आ चुका हूँ, सेटिंग में आने के बाद ये आपका इस तरह से मीडिया का ऑप्शन से खुल चुका है, आप यहाँ से भी ये सेटिंग का ऑप्शन करके आप इस तरह आ सकते हैं, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ऑलरेडी। अब सेटिंग पे तो बहुत सारी चीजों की सेटिंग है, आप जो भी चीज सेट करना चाह रहे हो आप कर सकते हैं, अपना टाइम की, स्टोर्स की, यानी पॉलिसी की, प्रोडक्ट टाइप की, कैटेगरी की, इंक्वायरी
बहुत सारी चीजें हैं, तो हम इसमें से बात करने वाले हैं पेमेंट सेटिंग की, और दूसरी चीज बात करने वाले हैं वेंडर फॉर्म की। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये काफी बताया हुआ है एडिशनल विजिट्स का है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ वेंडर रजिस्ट्रेशन की। तो वेंडर रजिस्ट्रेशन में हमें क्या क्या चाहिए, वो चीजें मेंशन करनी है। ये जो चीज है बिकम अ वेंडर, यानी जब आप यहाँ पे ऑन करेंगे स्टोर पे ऑन करेंगे, स्टोर पे ऑन करने के बाद जब आप फॉर्म ऑन करेंगे तो यहाँ पे लॉग इन लॉग इन लॉग आउट ऑप्शंस पे यहाँ पे आपको दिख जाएगा वेंडर का सेक्शन भी, ठीक है। ये जो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेंडर का भी सेक्शन दिख जाएगा, यानी एज ए वेंडर देख रहे हैं बिकम अ वेंडर। ये सेक्शन अगर आपको यहाँ से इसको अगर हटाना हो तो वो आप कैसे हटा सकते हैं, ये वाला सेक्शन है इसको अगर आप हटाना चाहें लॉग इन फॉर्म से तो आप कैसे हटाएंगे, किस हिसाब से हटेगा, ठीक है। तो ये वही चीज है, यहाँ पे जो बिकम वेंडर है बस उसको डिसेबल कर दे, वो वहां से ऑप्शन हट जाएगा। अगर आप इसमें अप्रूवल लेना चाह रहे हैं तो अप्रूवल ले सकते हैं, और इनका ये चीज हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें क्या है कि फर्स्ट नेम, कस्टमर का फर्स्ट नेम, वेंडर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ वेंडर का हमें फोन नंबर भी चाहिए, एड्रेस वो बाद में फिलअप कर सकता है, इसका टर्म एंड कंडीशन को मैनेज करना चाहे वो टर्म एंड कंडीशन मैनेज कर सकता है, बाद में सेटअप कर दूंगा। इसको सेटअप करने के लिए आपको टर्म एंड कंडीशन जो है उसमें सेलर टर्म एंड कंडीशन उसको सेटअप करना पड़ेगा, पेज बनाना पड़ेगा, तब जाके आप उसको यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये अभी पेज बना हुआ नहीं है तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और पेज बना लेता हूँ, क्योंकि इसके बगैर ये काम करेगा नहीं। तो टर्म एंड कंडीशन बहुत जरूरी है, तो आप टर्म एंड कंडीशन के नाम से एक पेज बना ले, पेज बनाना सिंपल से उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन ऐड कर दें जो टर्म एंड कंडीशन अपने सेलर के लिए रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे पेज अपडेट कर देता हूँ और पेज अपडेट यहाँ पे लिख देता हूँ सेलर टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप कभी ये आपका सेलर टर्म एंड कंडीशन का पेज बन चुका है। अब ये पेज आप आराम से जी हाँ यहाँ पे अभी जब मैं कैसे सर्च करूंगा तो सेलर टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आ चुका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ कस्टम अपने हिसाब से अगर आप चाहते हैं तो कुछ भी सेट कर सकते हैं, जैसे अगर आप एड्रेस प्रूफ के लिए फॉर्म चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, कुछ भी चाहिए आप इसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं इजी ऑप्शन से। यहाँ पे फाइल लेना चाह रहे हैं आप, मैंडेटरी रखना चाह रहे हैं कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आप लेना चाह रहे हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका एड्रेस प्रूफ का आ जाएगा ये का। इसके बाद आप पैन कार्ड भी लिखना चाह रहे हैं ले सकते हैं, सिंपल ऑप्शन से आप इसमें क्लिक कीजिए, क्लिक करके यहाँ पे आप पैन कार्ड भी ले सकते हैं, पैन कार्ड ठीक है। आप यहाँ पे भी ये चीज आप डाल सकते हैं, तो वो चीज आपको परीक्षा इसके अलावा और बहुत सारे कोई भी लेना चाह रहे हैं, टैक्स लेना चाह रहे हैं टैक्स डाल सकते हैं, या कोई इंक्वायरी लेना चाह रहे हैं ऐड कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है इंक्वायरी ऐड करने का, इसको आपको सेव कर देना है, सिंपल सेव करने के बाद ये आपके अब आप देखेंगे अगर ये फॉर्म को अगर रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद आप ये फॉर्म देखेंगे कि ये फॉर्म जो है आपका ये देखिए ये बढ़ चुका है फॉर्म, इसके अंदर का ये सारे ऑप्शंस आ चुके हैं जो हमने अभी मदद किया है। ईमेल आईडी आ चुका है, फर्स्ट टाइम आ चुका है, लास्ट टाइम आ चुका है, स्टोर का नाम आ चुका है, स्टोर का फोन नंबर आ चुका है, एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी रखना चाहे वो आ चुका है, इसके अलावा ये पासवर्ड आ चुका है। तो आप कुछ भी इसमें जो ऐड करना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें सेटअप करता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसे काम करता है। मैं एक मेल आईडी डाल देता हूँ,
ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं का अपना नाम यूज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टोर भी अपने नाम के अकॉर्डिंगली रख लेता हूँ। तो मेरा जो स्टोर होगा वो देखे ये होगा मेरा स्टोर का नाम, ठीक है, या उसका फोन नंबर दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप यहाँ पे एक अभी फिलहाल जो कुछ भी डाल देता हूँ, बट आप अपने जो भी चीज है वो भी चीज ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के तौर पर मैं ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद आप इसको कर दें रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ईमेल, ये कह रहे हैं कि ये ईमेल ऑलरेडी ये का एग्जिस्ट है, तो मैं दूसरा ईमेल दे देता हूँ। क्योंकि एक मेल आईडी अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो वो मेल आईडी से ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये नोटिफिकेशन पहुंच गया। नोटिफिकेशन पहुंचने के बाद आपको ऑप्शंस मिल गया कि आप ये अनमोल शॉप पे वेलकम है, यानी कि हमारे शॉप का नाम था वो अनमोल शॉप के नाम से ही मैंने ये बनाया था वेबसाइट। तो ठीक है, क्योंकि मुझे उसी के बारे में बताना था, ये आप वेलकम कर लिया। अब इसमें आप अपने स्टोर को आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, अपना जो भी लोगो है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, वो सब कुछ अपना सीटी उटी जैसा चाहे वैसा सब कुछ सेट कर सकते हैं। जी हाँ, इसका यहाँ पे देखें ये आपका एक लोगो आ जाएगा, आप लोगो आप अपने हिसाब से चूज करेंगे, ये आपके लिए खुद का अपना पार्टिकुलर मीडिया होगा, ये पार्टिकुलर मीडिया आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लोगो लगा दिया, आप लोगो अपने साथ कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी चूज करें वो स्क्वायर में चूज करें तो वो ज्यादा बेटर है। ये आपका लोगो आ गया। यहाँ पे मैं एक बैनर ऐड कर लेता हूँ। बैनर ऐड करने के लिए मुझे डेस्कटॉप में जाना पड़ेगा। ये मैं यहाँ से बैनर ऐड कर लेता हूँ, एज अ सैंपल मैं बैनर ऐड कर ले यहाँ पे, क्योंकि मुझे टेक्सटाइल प्रोडक्ट से ज्यादा दिलचस्पी, तो मैं प्रोडक्ट की तरह बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे स्टोर का नाम है, जिसका मेल आईडी है, नंबर पहले से डाला हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं एड्रेस। तो एड्रेस मैं अपने हिसाब से यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे आपका न्यू दिल्ली, उसके बाद यहाँ पे अपने पिन कोड एंट्री चूज कर लें, उसके बाद स्टेट दिल्ली। यहाँ पे फाइंड लोकेशन, और लोकेशन अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये कब होगा, ये जो आप इसमें एड्रेस जब आप वो लगा कर रखेंगे, ये हमारा ये आ चुका है जीपीएस लगा के रखें, ट्रैकिंग लगा के, तो उसका भी यहाँ पे आप अपने स्टोर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दें। दिस इज माय ऑनलाइन स्टोर फॉर आईटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके बाद आप अपने हिसाब से जो प्रोडक्ट्स रखते हैं या फिर आप जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपका बैंक का डिटेल, या बैंक में कौन कौन से सेटअप करना चाहते हैं, तो सारी डिटेल आ गया। यहाँ पे आप कैश भी लेना चाह रहे हैं कैश पे, तो आप कैश पे भी यूज कर सकते हैं। आप बैंक लेना चाहते हैं बैंक का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे आपका स्विफ्ट कोड है, ये आईडी है, ये सब ये जो है ये आपका इंटरनेशनल के लिए होता है, तो ये आप आपकी इच्छा है। अगर आप इंटरनेशनल पे भी यूज करते हैं तो डाल सकते हैं, जो खास कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कैश पे हैं तो बस कैश पे क्लिक करके आप इसको आगे बढ़ देंगे। इसके बाद आपका टर्म एंड कंडीशन की पॉलिसी आ जाती है, आपके टर्म एंड कंडीशन की पॉलिसी आप अपने खुद के टर्म एंड स्टोर की पॉलिसी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको कर देता हूँ स्किप। अब आप बस कोई कैंसिलेशन के लिए रिफंड की कुछ आपने खुद की पॉलिसी है वो आप ऐड कर सकते हैं।
इसके बाद आप कस्टमर सपोर्ट के लिए का एड्रेस अगर आप ऑफिस का एड्रेस देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल इसको मैं स्किप कर देता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं SEO की, या फिर स्कोप लीजिए, आप स्कोप में SEO काम करना चाह रहे हैं वो चीज आप इसे मैनेज कर सकते हैं। SEO का टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, यानी आप अपने जो स्कोर है वो किस हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं, ये मैं इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इसमें इसको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने इसमें रखा है आनंद स्टोर, मैं इसको आनंद स्टोर के नाम से ही मैं इसको रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बता दूंगा। ये आप मैं बता सकता हूँ यहाँ पे एप्स डेवलपमेंट, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट्स जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स है, इसलिए मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट, तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे इस तरह से डिजिटल। इस हिसाब से फिर आप अपने का जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो मेटा डिस्क्रिप्शन भी आप अपने हिसाब से उसको डाल सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फेसबुक के टाइटल्स, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका आइकॉन, इमेजेस, ये सब जो आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसे कर देता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका जो आ जाएगा वो सोशल पेजेस है, आपकी सोशल पेजेस है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन वगैरह है, ये चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने उसको स्किप कर दिया और अब हम आ जाते हैं सेटअप के अंदर। तो ये हमारा एक नया स्टोर का हमारा सेटअप हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नया सेटअप स्टोर हो चुका है। यहाँ पे हमें जो एक्सेस मिला हुआ है वो मीडिया का एक्सेस मिला हुआ है, ये वो मीडिया है जो प्रोडक्ट्स जो फाइल हम डालेंगे वो चीज हमें दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने वैसे पहले आपको बता रहा था कि जो एडमिन की चीजें एक्सेस हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सारी वो चीजें होंगी जो आप खुद डालेंगे, हाँ ये चीजें एडमिन देख सकता है लेकिन आप एडमिन यूज कर नहीं सकते, ठीक है। इसको परमिशन है आपको डिलीट करने की, इसको परमिशन है आपको ऐड करने की, स्टेटस ऐड करने के सारे परमिशन है। कुछ आर्टिकल्स डालना चाह रहे हैं आप वो डाल सकते हैं, ऑर्डर्स की बात है। हाँ अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं तो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं, जी हाँ आप इसके डिजिटल प्रोडक्ट्स भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्या बात कर ले, वही ऑप्शंस थे जो आपको ई-कॉमर्स में ऑप्शंस मिलता है। ऐसा नहीं है कि जैसे इन्होंने दिखाया था आपको दुकान में इतनी चीजें नहीं होती है, उसमें तो कुछ पार्टिकुलर चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे आपका सिंपल प्रोडक्ट्स, वायरल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आपको डालने का, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स डालने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप वेरिएबल प्रोडक्ट डाल सकते हैं तो वेरिएबल प्रोडक्ट डाल सकते हैं, कैटलॉग ऐड कर सकते हैं, सिंपल प्रोडक्ट डालना चाहे सिंपल प्रोडक्ट डाल सकते हैं, प्रोडक्ट्स को डाउनलोडेबल रखना चाह रहे ये आपका डाउनलोडेबल आ गया या फिर डिजिटल आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सपोज के मैंने यही चीज डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ प्राइस डाल दिया, मैं प्राइस ये 10,000 रुपीज है, बट ये सेल प्राइस है 9,999 का सेल प्राइस है, जो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये शेड्यूल लिखना चाह रहे हैं मैं कब से कब तक ये ऑफर चल रहा है, ये भी ऑफर आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या मैं आपको थोड़ी आसानी होगी कि आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ उसका कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर उसमें कैटेगरी ऐड नहीं है तो आप वेंडर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारी कैटेगरी ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल इसको किसी भी अन्य तरह से कैटेगरी में डाल सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप अपना यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं, आप उस इमेज के बाद आप दो तीन इमेजेस भी डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं। हाँ यहाँ पे इमेजेस आप वो भी डालें जो आपका सिंगल का एक साइज का हो, एक साइज की इमेज बेटर है, फिर वो आप ब्रांड चूज कर सकते हैं, यहाँ पे टैग्स वगैरह डाल सकते हैं, वो सारी चीजें जो आपको ई-कॉमर्स से मिलता है वो सब अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना के यहाँ पे एसक्यू आर डी लिख सकते हैं, एसक्यू आर डी ये आपको कोई भी प्रोडक्ट्स के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है,
वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स कितने हैं, कितने तरह के हैं, हम मुझे आपको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर ये एक स्टॉक अगर आपका मैनेज है तो करना है, और वो स्टॉक अगर आपको 10 से ज़्यादा नहीं है तो उसके बाद वो अगर आप नहीं चाहते ज़्यादा ऑर्डर लें तो आप ये डू नॉट अलाउ के जो 10 प्रोडक्ट है वो ऑर्डर कर सकता है, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद ये आपका डाउनलोडेबल में जाता है, डाउनलोडेबल जो फाइल का नाम है वो फाइल आप डाल सकते हैं, और उसके बाद वो जो फाइल है वो फाइल को आप क्लिक करके वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे अनलिमिटेड डाउनलोड लिमिटेशन अगर आप डालना चाह रहे हैं तो 10, 5, 20, 25 इस तरह से लिमिटेशन रखना चाहते थे तो लिमिटेशन भी रख सकते हैं वो आपकी इच्छा है। इसके बाद आप शिपिंग का ऑप्शन से अगर रिमूवल करना चाह रहे हैं तो टैक्स का ऑप्शन से कौन से टैक्स में 18% है, 12% है, 10% है, ये सारे टैक्स की बात टैक्स का ऑप्शन से इसका एट्रीब्यूट है, कलर साइज इस तरह कुछ अगर एट्रीब्यूट अगर रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं। तो खैर मेरे केस में यहाँ पे कोई कलर साइज अगर है नहीं, इसका लिंक्डइन का लिंक करना चाह रहे प्रोडक्ट का एसईओ करना चाह रहे हैं, कीवर्ड्स देख होकर तो बहुत सारी चीजें है, यानी आपको यूं समझ लीजिए जो कॉमर्स के अंदर जो चीजें हैं वही चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो खैर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको सारे दिखा दिया। इसके बाद आप इसको पब्लिश कर दें, और पब्लिश करने के बाद आप इसको एक ये प्रोडक्ट्स एडमिन के पास यहाँ पे आप देखिए कि ये लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, यहाँ पर देखिए ये पब्लिश हो चुका है। अब हम आते हैं वेबसाइट पे, अब देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट पब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट में सर्च करता हूँ और देखता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग के नाम से भी कोर्स मैंने पब्लिश किया है, पब्लिश हुआ है, यानी पब्लिश हो चुका है, यहाँ पे ये भी लिख रहा है कि स्टोर का नाम किसने पब्लिश किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैनेज करना चाहें, प्रोडक्ट डालना चाहें या डाल सकते हैं, हाँ। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिक पब्लिश हो गया, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं पहले कस्टमर एडमिन के पास परमिशन ले उसके बाद ये प्रोडक्ट आप पब्लिश हो तो भी ये पॉसिबल है, ये किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो ठीक है, तो ये चीज पूछना चाहे हो सकता है, ठीक है। तो ये का आपको यहाँ पे अप्रूवल का ऑप्शन है, वो अगर आप अप्रूवल करा लेंगे तो वो आप इसके लिए क्या करना रहेगा आपको, अगर आप परमिशन चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट्स है रिव्यू में आए, फिर रिव्यू में आने के बाद ही जाके वो चीजें आपको खुद से प्रोडक्ट अपलोड करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो पॉलिसी थी आपके स्टोर की जो पॉलिसी थी फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट का, तो वो प्रोडक्ट कस्टमर्स मेंबरशिप स्टोर कूपन्स प्रोफाइल विथड्रॉ रिफंड स्टोर विथड्रॉ, ठीक है। तो ये आप ऑफ कर सकते हैं, और इसके बाद आप सिंगल प्रोडक्ट कैटलॉग इंक्वायरी इसमें जो जो चीज आपको मिली चाहिए करने के बाद अगर आप प्रोडक्ट की परमिशन भी चाहते हैं तो प्रोडक्ट भी चाहते हैं, अगर वो आपकी इच्छा है आप जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। इसके बाद ये तो मैंने दिखा दिया जिसमें काम करेगा, ये आपको सारी चीजें बताया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रोडक्ट्स के जो ईकॉमर्स फूड हो चुका है, यहाँ पे आप देखें ये प्रोडक्ट्स आ चुका है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद के, अभी मैंने आपको ये दिखा दिया कि कितना एक खूबसूरत सा डिजाइन है, ये डिजाइन आप आसानी से यूज कर सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि अगर आप इसमें बल्क प्रोडक्ट अपलोड करना चाह रहे हैं तो बल्क प्रोडक्ट अपलोड कर
कर सकते हैं। इसमें क्या ई-कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट लिमिटेड अनलिमिटेड, यहाँ पे आप देखे ये एक्सपोर्ट का है, उसके बाद ये ऐड का है। अपलोड का इसमें दिया नहीं है, बट अपलोड का आप आराम से एक प्लगइन यूज करके आप इसका अपलोडिंग का सिस्टम आप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ऑर्डर्स वगैरह की। ऑर्डर्स वगैरह इसमें आराम से मैनेज कर सकता है, इसको ऑनर इसका पेमेंट का भी मैनेज कर सकता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे और चीजें हैं जो आप ऑर्डर प्रैक्टिकल करेंगे लेंगे, निकाल सकता है, निकाल सकता है, बहुत सारी चीजें इसमें करेंगे। और स्टोर का जो लिंक है जो मैंने आपको बताया था कि स्टोर का लिंक किस टाइप से काम करेगा, कैसे होगा, स्टोर का लिंक सेलर का पार्टिकुलर स्टोर का लिंक देखना हो तो भी आप देख सकते हैं। जो पार्टिकुलर स्टोर का लिंक कैसे रहेगा, किस टाइप से रहेगा, यहाँ पे मैंने एक और ऐड किया है जो 0.76 का है। ये है आपका स्टॉक, ठीक है, जो जैसे जैसे मैंने ऐड किया था इस टाइप से आपका स्टॉक दिखेगा। जो आपको ये बिल्कुल यूनिक सा डिजाइन है, यहाँ पे आपके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वो दिखेंगे, यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह है। स्टॉक का लुक भी बहुत अच्छा लुक है, तो आप अपने और भी बेटर से बेटर जितना ग्राफिक का काम करेंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो वो मोबाइल व्यू की, मोबाइल फ्रेंडली की, मोबाइल आपका पेज लेआउट की, मोबाइल लेआउट का पेज कैसा है, तो अभी हम देखते हैं मोबाइल लेआउट के बारे में और जानते हैं कि मोबाइल लेआउट किस तरीके से काम करता है, कैसे होता है, किस हिसाब से होगा, ये चीजें हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये देखें अभी अगर हम इसको मोबाइल में या फिर टैबलेट में इसको ऑन करेंगे तो इस टाइप से दिखेगा, यानी जो आपके पास होम पेज है डैशबोर्ड में सिर्फ वही होम पेज ही दिख रहा है और उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे दिख रहा है काम कर रहा है। लेकिन ये चीजें अभी हमें चेंज करनी है। कैसे चेंज करनी है, आप मोबाइल के नाम से एक पेज बना सकते हैं जैसे ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, मैंने कहा इससे पहले के मैंने बना रखा था, तो खैर वो भी आप मेरे साथ से बनाना चाहे बना सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस मोबाइल के लिए बनाना चाहे, कॉन्टेक्ट अबाउट अस मोबाइल के लिए बनाना चाहे, सेपरेट बनाना चाहे वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मोबाइल के नाम से इसमें होम पेज बना हुआ है, इसमें दो होम पेज है मोबाइल के नाम से, तो मैं देख लेता हूँ दोनों होम पेज को ऑन करके। हाँ, ये मोबाइल व्यू का जो पेज है वो आप भी बना सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बना सकते हैं और कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये दो व्यू है मोबाइल मोबाइल का। यहाँ पे फुटर भी है, आपका फुटर यहाँ पे कस्टम फुटर है, आप ये देख सकते हैं कस्टम फुटर है। ठीक है, यानी ये जो फुटर आपका ऐड किया हुआ है ये कस्टम फुटर है, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज करना चाहे आप इजीली कर सकते। तो फर्स्ट मोबाइल व्यू जो आप देखना देख रहे हैं ये मोबाइल व्यू है, यहाँ पे देखे कितना खूबसूरत सही मोबाइल व्यू है। हाँ, वेबसाइट पे देखने में थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन जब इसको मोबाइल व्यू में ओपन करेंगे तो कितना देखे कितना खूबसूरत सा मोबाइल व्यू है। आप ये देखिए कि ये क्या यहाँ पे सर्च बार है, ये आपका यूनिक सा ये कैटलॉग है, मेन्यू है, बहुत खूबसूरत सा डिजाइन है। ठीक है, ये आपका इंक्वायरी बॉक्स है, ये आपका ऐड टू कार्ट है। ये आप मोबाइल में देखेंगे तो मोबाइल में और खूबसूरत से लगेगा। ये आपकी कैटेगरी है, ये आपका प्रोडक्ट्स है, ये आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स टाइप से दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे आप कितना खूबसूरत होता प्रोडक्ट दिख रहा है, लेकिन प्रोडक्ट दिख रहे हैं टैब में जब ओपन करेंगे तो ये टैब खूबसूरत है, जब आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो मोबाइल में आपको दिखेगा।
बड़ा खूबसूरत सा यूनिक सा डिजाइन। दूसरा जो डिजाइन है वो मोबाइल का, तो ये डिजाइन है यहाँ पे भी देखिए कितना खूबसूरत सा डिजाइन है ये भी। तो इस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट ऐड करें या कुछ मोबाइल ग्रुप बनाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे? सिंपल ऑप्शन से अगर मैं पहले पेज को ओपन कर लूँ तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि ये पेज है, ये प्रोडक्ट ये किस लिए बनाना चाह रहे हैं, मोबाइल के लिए बनाना चाह रहे हैं, बैंक के लिए बनाना चाह रहे हैं। अगर आप मोबाइल के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप मोबाइल का यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज कि यहाँ पे अभी जो यूज किया गया है ये देखे, ये ई-कॉमर्स लैड का यूज किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखे ये जो यूज किया गया है ये ई-कॉमर्स लैड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। या इसी तरीके से आप प्रोडक्ट्स या ऐड करेंगे तो ये आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, कोई नया प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। जैसे रिसेंट भी प्रोडक्ट्स की बात करें, यहाँ पे रिसेंट भी प्रोडक्ट जब आप ऐड करेंगे तो इसमें ऑप्शन आएगा, लेआउट आएगा कि आप लेआउट में मोबाइल का ऑप्शन चूज रहे हैं। मैं इसी थीम की बात कर रहा हूँ, हर थीम में व्यू होता है जो कि इस थीम में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे कॉलम की बात करें, पर पेज कितना होना चाहिए, 2-3-4, अगर आप ये काम देखना चाह रहे हैं कि ये टोटल प्रोडक्ट जो है 12 है, लेकिन पर पेज जो है आपको 2 धरना चाहिए मोबाइल के लिए, तो आप मोबाइल के लिए 2 ठीक है। इस टाइप से आपका इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल के लिए। बट ये चीजें देखिए यहाँ पे तो प्रोडक्ट्स की चीजें है, यहाँ पे जो चीजें इन्होंने मेंशन की है वो है ई-कॉमर्स स्लाइडर, ठीक है। तो आप ये ई-कॉमर्स स्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं भी यही यूज कर लेता हूँ। या तो चाहे इसे कॉपी करना चाहे आप कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको इसमें सारी चीजें आपको डालने के लिए, यहाँ पे आपको टाइटल डालने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे टाइटल डालने के लिए मिल जाएगा। यानी अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हैं, टेक्स्ट 5 वर्ड 10 वर्ड 20 वर्ड जो भी दिखाना वो दिखा सकते हैं, अगर आपको डिस्क्रिप्शन दिखाना है वो दिखा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अगर कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं इमेज लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है पोस्ट कितना रहेगा, रॉ कितना रहेगा, रॉ कितना रहेगा, तो इसमें आप मैनेज कर सकते हैं आराम से इजीली। अभी हम देखिए यहाँ पे ऑप्शन चूज है लेआउट, ये लेआउट का ऑप्शन इसी थीम के अंदर अवेलेबल है, जिस ऑडियो थीम में मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए लेआउट आप देख सकते हैं, मोबाइल लेआउट 1, मोबाइल लेआउट 2, मोबाइल लेआउट 3 तरह के लेआउट है। आप 3 तरह के लेआउट यूज कर सकते हैं मोबाइल के लिए भी, जैसे बेस्ट लेआउट बेस्ट सेलर के लिए है, बेस्ट सेलिंग के लिए आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज करना, जैसे यहाँ पे फर्नीचर कैटेगरी, यहाँ पे आप प्रोडक्ट चूज कर ले, आपकी इच्छा है जो कैटेगरी आप यहाँ पे चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ये तो रही बात ये कि आप मोबाइल पेज किस तरीके से बनाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये तो मेरा मोबाइल पेज की बात है। बट अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप मोबाइल में ये वेबसाइट ओपन करें तो अब देखिए वेब में जब ओपन करें तो वेबसाइट दिखेगी, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है इसके अंदर। तो आइए हम वो देखते हैं कि वो कहां से पॉसिबल है। इसके अंदर आपको मिलेगा अपीयरेंस के अंदर थीम ऑप्शन, ये इसी थीम में है, अनमोल थीम के अंदर ये अवेलेबल है। दूसरे थीम के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ अभी, क्योंकि ये ऑप्शन कुछ ही थीमों में होता है अवेलेबल होता है कि आप एक वेबसाइट में मल्टी मल्टी पेज लेआउट यूज करें, और जिस भी डिवाइस के लिए आप चाहें, चाहे डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए, जिस डिवाइस के लिए चाहे उसके लिए पार्टिकुलर पेज आप दिखा सकते हैं। जब भी कोई बंदा ओपन करेगा डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे तो वो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे ये चीज अगर आप लैपटॉप पे ओपन करें डेस्कटॉप पे ओपन करें तो इस दिखेगा, बट जब आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो मोबाइल में ओपन करते टाइम आपको ये पेज नहीं दिखेगा बल्कि आपको ये पेज दिखेगा, ठीक है। मोबाइल में आपको ये पेज दिखेगा जी, हमें अभी आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा, ठीक। तो जैसे मोबाइल के नाम से मैंने पेज ही बना लिया, और पेज बनाने के बाद आपको यहाँ पे थीम ऑप्शन मिल जाएगा। थीम ऑप्शन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आप मैनेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक चीज ऑप्शन और भी है, मोबाइल लेआउट। जी हाँ, आपने यहाँ मोबाइल लेआउट देखा है, इसके अंदर आप अपनी लोगो चूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो चूज किया हुआ है वो मोबाइल वो 1 लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जब इस तरीके से आप ये लिस्ट यहाँ पे मोबाइल वन को चूज करेंगे लेआउट के लिए, आप यहाँ पे स्टेक रखना चाह रहे हैं अदर मोबाइल का, तो ये स्टेक जब ये सेव कर देंगे, तो जब जब भी कोई बंदा इसको मोबाइल में ओपन करेगा
जैसे यहाँ पे तो मैं अभी डेस्कटॉप पे देख रहा हूँ, तो हो सकता है कि डेस्कटॉप पे मोबाइल जो मुझे ना आए ऐसा नया, लेकिन क्या आप यहाँ पे देखें कि ये मोबाइल व्यू का नहीं है, ये डेस्कटॉप व्यू। लेकिन आप जब इसको मोबाइल व्यू में ओपन करेंगे तो आपको इसका मोबाइल व्यू का ही दिखेगा, ठीक है। आप देख के आप करके ट्राई कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कैपिटल टेक्नोलॉजी के नाम से मैं लिंक दे दूंगा, आप आराम से लिंक देकर ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। मेरा ऑलरेडी किया हुआ है, मैंने कर रखा है चीजों के, मैं अभी इसमें नहीं देखूँ, नहीं देखूंगा। फिर मैं इसका ये चीज आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा मोबाइल फ्रेंडली किस टाइप से है। यहाँ पे आप देखें कितना मोबाइल में ये एक, जब इसको आप मोबाइल भी करेंगे देखिए मोबाइल में कितना अच्छा सा लुक है। ये मोबाइल भी का लेआउट के बारे में बता दिया आपको, मोबाइल का पेज का बारे में हो गया हम बता चुके हैं, इसका मोबाइल लेआउट मेन्यू वगैरह का भी हो गया। हाँ, मेन्यू अगर आप मोबाइल के लिए सेट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, सिंपल ऑप्शन से कि आप अपीयरेंस में जाने के बाद मेन्यू के सेटिंग में जाएंगे। अगर आप मोबाइल के लिए कोई दूसरा पार्टिकुलर सेटिंग करना चाह रहे हैं तो आप मोबाइल के लिए सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे जो भी मेन्यू है, जितने सारे मेन्यू से मेन्यू अगर आप मोबाइल के लिए चाह रहे हैं तो आप मोबाइल मेन्यू पे क्लिक कर देंगे, ये मोबाइल मेन्यू में आ जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल ऑप्शन से, ज्यादा कोई मदद मांग नहीं है। इसके बाद आप सेव कर देंगे, जब भी आप सेव करेंगे तो मोबाइल में दिखेगा जो आप देखना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है वॉलेट सिस्टम। जी हाँ, वॉलेट सिस्टम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटीएम का जो कमाल है वो सिर्फ और सिर्फ कैशबैक का ऑप्शन पे है और वॉलेट सिस्टम पे है। यानी कोई कस्टमर्स कभी बाय करता है सामान में, सामान बाय करने के बाद कस्टमर्स को कैशबैक देता है ताकि वो कस्टमर को दोबारा आए उनके पास और दोबारा सामान बाय करे। इसके लिए सिंपल ऑप्शन से आप कैशबैक का ऑप्शन यूज कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे यूज करने के लिए आपको लॉगिन का यूज करना पड़ेगा और वो कैशबैक का ऑप्शन आप दे सकते हैं इजीली। जैसे कि मैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, मैं पूरा प्रैक्टिकली इसके बारे में बताता हूँ। तो कैशबैक का ऑप्शन आज के बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम इसी तरीके से जैसे इंपॉर्टेंस है कि आपको व्हाट्सएप का। जी हाँ, व्हाट्सएप का भी का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग आजकल सबसे ज्यादा जो बिजनेस है व्हाट्सएप पे बिलीव करने लगा है क्योंकि कस्टमर्स वे के और व्हाट्सएप से ही ज्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पे वॉलेट के हैं तो ये वॉलेट का ये प्लगइन है, ये प्लगइन आप यूज कर सकते हैं आराम से, इजीली यूज कर सकते हैं, ये कॉस्ट प्लगइन है और इस प्लगइन का यूज करके अच्छे से अच्छे का आप मैनेज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पेड प्लगइन लेते हैं तो पेड प्लगइन बहुत हाई लेवल की प्लगइन है, तो बहुत सारी चीजें इसके अवेलेबल है। इसके बाद आपका ये जैसे इंस्टॉल करेंगे तो ये टेरा वॉलेट के नाम से इसका ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आप किसी को भी कैश दे सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मैं इसकी सेटिंग की बात कर लूँ तो सेटिंग के यहाँ पे चलते हैं, पहले सेटिंग का देख लेते हैं काम कैसे चलेगा, वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। जैसे आप ये वॉलेट का सिस्टम है, ये पॉपअप वॉलेट का सिस्टम है, यहाँ पे आपको लोगो लगाना चाहिए लोगो लगा, टैक्स वाले लगाना चाह रहे हैं टैक्स वाले लगा सकते हैं, ये अपने हिसाब से जो भी है मिनिमम अमाउंट करके जहाँ पे इसको दिखाना चाह रहे हैं, मोबाइल मेन्यू में दिखाना चाह रहे हैं या प्राइमरी मेन्यू में जहाँ भी वाले दिखाना चाह रहे हैं वो आप दिखा सकते हैं। तो खैर मैंने यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू में दिखा दिया, तो इसको मैं कर देता हूँ से मिनिमम अमाउंट कितना रहना चाह रहे हैं, ट्रांसफर कितना करना चाह रहे हैं, 100 रुपए का। हाँ, इससे एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को वॉलेट से ट्रांसफर किया जा सकता है। यहाँ बड़ा इजी ऑप्शन है, ट्रांसफर का भी इसमें आराम से किया जा सकता है। यहाँ पे ट्रांसफर चार्ज रखना चाह रहे हैं, रख सकते हैं, नहीं रखना है तो जीरो कर दीजिए। कहीं एक बंदा एक कस्टमर से कस्टमर का ट्रांसफर करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। इसके अलावा क्रेडिट ऑप्शन से, क्रेडिट ऑप्शन से आप कैश बैक रिवार्ड प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं। ये आपका बड़ा अच्छा सिस्टम है कि रिवार्ड प्रोग्राम का सिस्टम आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज कर सकते हैं, ये कार्ड वाइज कर सकते हैं, जब कोई बंदा इसको कंप्लीट प्रोडक्ट जब कंप्लीट कर लेगा तब उसको रिवार्ड मिलेगा, जो भी आप रिवार्ड रखना चाह रहे हैं कैश बैक। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया आपको कैश बैक का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। जी, जैसे कोई बंदा कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेगा तो उसको 10 रुपए कैश बैक लेना चाह रहे हैं, ऑर्डर पे मिनिमम अमाउंट कितना बाय करेगा तब उसको मिलेगा, 500 रुपए का अमाउंट बाय कर लेगा तब उसको कैश बैक मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि 1000 रुपए बाय कर ले, 1000 रुपए बाय करने में 10 रुपए कैश बैक मिले तो भी ये पॉसिबल है, ठीक है। इसका मैक्सिमम कैश बैक अमाउंट आप कितना देना चाहिए, मैक्सिमम कैश बैक अमाउंट आप 500 दे सकते हैं, मैक्सिमम कैश बैक अमाउंट
पेमेंट गेटवे चार्ज अगर रखना चाहे आप रख सकते हैं, देखो पेमेंट गेटवे चार्ज अगर फिक्स रखना चाहे फिक्स रख सकते हैं, यानी कस्टमर चाहे तो पेमेंट गेटवे का भी इस्तेमाल करके अपने कैश में पैसा डाल सकता है। जी हाँ, तो ये भी हो गया कैशबैक ऑप्शन मैंने सेटअप कर दिया। ठीक है, आइए अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं ये ऑप्शन से। अब ये काम कैसे करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काम कैसे करेगा। जी हाँ, अभी जैसे कि देखें कि अभी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 13 वॉलेट में जाता हूँ। 13 वॉलेट के अंदर जो सेटिंग है, सेटिंग ये तो मैंने अभी ऐड कर दिया। अब अगर मैं साइट में ओपन करूंगा, यहाँ पर मेरे कॉन्टेक्ट पर्सन के नाम से अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो रिफ्रेश करते ही देखे ये आपका पैसा आ चुका है, वॉलेट सिस्टम भी यहाँ पे आ चुका है। जी हाँ, वॉलेट सिस्टम भी आ चुका है। अगर हमें इसमें पैसा ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, या फिर इसको हमें कैशबैक देना हो तो कैसे होगा। ठीक है, देखिए अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि 500 तक का कोई बंदा ऑर्डर करता है तो वो क्या कर सकता है, वो 10 रुपए का कैशबैक। चलिए सबसे पहले हम वही देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं जो क्या ये पॉसिबल है या कैसे काम कर सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले ऑर्डर करता हूँ, यहाँ पे 500 रुपए का ऑर्डर करता हूँ और देखता हूँ तो उस पर पैसा आता है। चलिए मैं इसी से यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ये मैंने ऐड कर लिया और ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ऐड कर लिया। चलिए ये भी ऐड कर लेता हूँ, पहले मैंने कुछ चार प्रोडक्ट्स मैंने ऐड मतलब 5 प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। मैं इस पर करता हूँ चेकआउट, और चेकआउट करने के बाद यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं वो यूज करेंगे कैसे, कैशबैक क्या ऑप्शन हम यूज करेंगे इसको। तो ये देखें, ये जो चीज है ना, ये मैंने जो ऐड किए थे उस टाइम लोकेशन का, वो डिलीवरी लोकेशन का ये आ चुका है, तो हमने गूगल मैप का यूज किया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये फ्लैट रेट, ये आपका फ्री शिपिंग ऑप्शन आ गया, क्योंकि यहाँ का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन ये पेमेंट रिसीव कर सके तो हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा, अब ये पेमेंट सेटअप करना पड़ेगा। पेमेंट सेटअप के बारे में हमें जानना है, ये पेमेंट सेटअप के बारे में हमें जानना है, पेमेंट गेटवे सेटअप के बारे में। तो खैर ये हम चलते हैं पेमेंट गेटवे सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद हम कैशबैक ऑप्शन के बारे में हम जान सकते हैं। पेमेंट गेटवे का सिंपल ऑप्शन से आप सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाने के बाद आप पेमेंट गेटवे का सेटअप आराम से इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा पेमेंट बैकअप, पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट के ऑप्शन के बाद यहाँ पे आप शिपिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। शिपिंग का ऑप्शन आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, शिपिंग देना है या फिर आपको कैश डिलीवरी देना है, जो भी है। यहाँ पे पेमेंट गेटवे का सेटअप नहीं है तो मैंने यहाँ पे कैशबैक वाला ऑप्शन जो है मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। ये हमारा जो पेमेंट गेटवे सेटअप है कैशबैक का ऑप्शन से ये सेटअप हो चुका है, ये सीओडी कर देता हूँ। इसके बाद अगर आप पेमेंट गेटवे का सेटअप करना हो, जैसे ब्राउज़र पे का सेटअप करना हो तो ब्राउज़र पे का भी सेटअप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपल ऑप्शन से उसके लिए आपको प्लगइन का यूज करना पड़ेगा, और प्लगइन का यूज करके आप पेमेंट गेटवे आप लगा सकते हैं। जी हाँ, तो ये ब्राउज़र पे का पेमेंट गेटअप है, आप ब्राउज़र पे का पेमेंट गेटअप आप आराम से इसको यूज नहीं कीजिए, इजीली इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप तो ब्राउज़र पे के जो वेबसाइट है, वेबसाइट में जाके आपको यहाँ पे लॉग इन होना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, उसको लॉग इन करने के बाद उसमें आपको एक पेमेंट की मिलेगा, और वो पेमेंट का वो की जो है आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। मेरा पेमेंट ऑलरेडी मैंने पहले इसमें से बुक कर रखा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले इसमें साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन पूरा सब नंबर फिलअप करना पड़ेगा, फिलअप करने के बाद आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपके जो भी कंपनी है या फिर अगर पर्सनल है तो पर्सनल के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए जाएगा, 2-3 दिन आपका रिव्यू मिलता है, रिव्यू के बाद वो फिर आपका ये पेमेंट गेटवे ये लाइव कर देता है। तो ये पेमेंट गेटवे इंडिया में बहुत अच्छा चल रहा है और बेस्ट है, इसलिए बेस्ट है क्योंकि इनका पेमेंट जो है 2 दिन में आपको मिल जाता है।
नेशनल पेमेंट, अगर आप नेशनल पेमेंट भी रखना चाहते हैं तो नेशनल पेमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं, ले सकते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट में आपको जो है हफ्ता दिन ले लेता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 दिन का तक ले सकता है इंटरनेशनल पेमेंट में, सेटल पेमेंट होने में। बट यही चीज अगर आपका नेशनल पेमेंट अगर होता है, यानी आप इंडिया टू इंडिया का पेमेंट होता है, तो आप दोस्तों 2 दिन के अंदर अंदर आपको ले लेता है। इसके बाद आपको यहाँ पे एपीआई की पे आना है, एपीआई की पर जाना है, एपीआई की जनरेट करना है और जनरेट करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर मेरे केस में ऑलरेडी मैंने पहले से इसका यूज किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसे प्लगइन को एक्टिव करता हूँ। एक्टिव करने के बाद हमें चिंता डालना पड़ेगा यहाँ पे रोजेटे का पेमेंट। अगर आप चाह रहे हैं तो आप टेस्ट वर्जन भी यूज करना चाहे, आप टेस्ट वर्जन भी यूज कर सकते हैं। तो मैं टेस्ट वर्जन किया हुआ है, तो मैं ये इसको यहाँ पे चीजें ये सारी चीज इसमें आपको वॉलेट सिस्टम है, आपका सारे कार्ड्स अवेलेबल है, जैसे QR कोड वगैरह सब कुछ इसमें अवेलेबल है, गूगल पे वगैरह भी सब कुछ इसमें मेंशन है। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग के लिए सारी नेट बैंकिंग है, मोस्टली EMI का ऑप्शन भी है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड EMI का ऑप्शन है। डेबिट कार्ड से अगर रखना चाह रहे EMI पे भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे वॉलेट का सिस्टम है, इसमें फोन पे, एयरटेल मनी, फ्रीचार, जियो, वॉलेट से पेलेट का ऑप्शन से, पेलेट का ऑप्शन के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, आप उन फीचर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ये आप अपने हिसाब से भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। इसका यहाँ पे क्या करना है, जब आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाए वो का, उसके बाद आपको पेमेंट सेटअप पे आना है। आप पेमेंट सेटअप पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा एक और तीसरा ऑप्शन जो है वॉलेट सिस्टम है, क्योंकि अभी हमने वॉलेट का यूज किया हुआ है, तो वो वॉलेट सिस्टम से भी आप पेमेंट कर। तो ये तीन सेक्शन ऑपन हो चुका है पेमेंट का। आप अभी देखेंगे, आप जब चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन आ रहा था, ये नोटिफिकेशन सॉफ्ट वाला जो ऑप्शन आएगा। जी हाँ, आप देखें यहाँ पे सबसे पहले कैशबैक ऑप्शन आ चुका है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ चुका है, और साथ ही साथ आपको मिल जाएगा वॉलेट का सिस्टम। फिलहाल यहाँ पे मेरे केस में अभी वॉलेट में कुछ बैलेंस नहीं है, जैसे देख रहे हैं कुछ बैलेंस नहीं, इसलिए इसमें वॉलेट में कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें सिंपल सा फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ। फॉर्म फिलअप करने के बाद मैं इसमें अपना ऑर्डर में एक ऑर्डर करता हूँ और देखता हूँ कि किस तरीके से ये हमें कैशबैक देता है। ठीक है, एक चीज अगर यहाँ पे आप क्या करें, आप अपने हिसाब से जो भी सर्च करना चाह रहे हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन आप डाल सकते हैं, जैसे आपके काफी मुझसे ट्रायल दिखाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं प्री शिपिंग का ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, तो मैं ऑर्डर अभी 1000 कर रहा हूँ, यानी 1000 का जो ऑर्डर मैंने किया। अब हम ये ऑर्डर कर लेते थे, जैसे ही ऑर्डर में कंप्लीट करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे जो जीरो बैलेंस मौजूद भी, यहाँ पे हमें कैशबैक ऑप्शन मिल जाएगा जो मैंने कैशबैक ऑप्शन किया। यहाँ पे मैं भी देख लेता हूँ ये ऑर्डर के सेक्शन पे, ये ऑर्डर आया है नहीं आया है, ये ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर प्रोसेस का प्रोसेसिंग है, ऑर्डर का ही मैं ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर मैंने कर दिया कंप्लीट। कंप्लीट करने का यहाँ यहाँ पे स्टोर का सेक्शन भी आ चुका है, तो स्टोर का सेक्शन आप देख सकते हैं। तो ये ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट करने के बाद मैं देखता हूँ कि ये जो मेरा पास जीरो बैलेंस था वो बैलेंस
देख सकते हैं कि मैंने अभी जैसे किया, जिस हिसाब से मैंने सेटअप किया था उस हिसाब से अभी मेरे पास 500 रुपए का ये कैशबैक ऑप्शन आ चुका है। अब मैं इस कैशबैक से मैं खरीद कर सकता हूँ, जो भी कुछ करना चाहे वो कर सकता हूँ। जी हाँ, मिनिमम ऑर्डर जैसे यहाँ पे 500 रुपए का कैशबैक आ गया। हाँ, ये 500 रुपए क्यों आया, देखिए मैं इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ कि ये 500 रुपए कैसे आया, किस हिसाब से आया। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि ये मेरा एडमिन पैनल है, यहाँ पे आप जब सेटिंग के अंदर जाएंगे, सेटिंग के अंदर जो मैंने सेटअप किया था क्रेडिट का, तो यहाँ पे मैंने जो सेटअप किया था मिनिमम कैशबैक ये जो 500 का था और मैक्सिमम कैशबैक ये 1000 का था। ये 1000 से नीचे तक का अगर कोई बाय करता तो उनको मिल सकते 50 रुपए, बट मैंने 1038 रुपए का बाय किया इसलिए उनको मिल गया 500 रुपए। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप इस अमाउंट के नीचे अगर आप लेना चाह रहे हैं नीचे ले सकते हैं, ऊपर लेना चाह रहे हैं वो आप नीचे, यहाँ पे जैसा आप सेट करना चाह रहे हैं वैसा सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 50 रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे 40 रखना चाह रहे हैं, ये 40 कैशबैक है, आप अपने हिसाब से जैसा रखेंगे वैसा आप रख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके इस वॉलेट के साथ कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी को ज्यादा कैश देना है या किसी पर ज्यादा चला गया है तो आप उसको माइनस भी कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे अभी देखिए इसमें भी 500 रुपए हैं, अगर आप इसको माइनस करना चाह रहे हैं तो आप माइनस भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल ऑप्शन से, सिंपल ऑप्शन क्या है कि आप जो इनके जो सेटिंग है जिनको ये पैसे मिला हुआ है आप उनको जाएंगे, ये है इसमें एक्शन पे क्लिक करेंगे, एक्शन पे क्लिक करने के बाद इसको आप क्रेडिट भी कर सकते हैं या डेबिट भी कर सकते हैं। तो कर यहाँ पे क्रेडिट करना था, यहाँ अभी मुझे इसका डेबिट करना है, यानी 400 रुपए मुझे इससे माइनस कर देना है। ठीक है, और रीजन इसको बता देना, जो भी रीजन बता देना एज अ टेस्ट रीजन। ठीक, अब मैं इसको कर देता हूँ माइनस, तो इसके अंदर जो 500 रुपए था क्लाइंट का, ये का क्लाइंट का 500 रुपए जो है माइनस होकर सिर्फ 100 रुपए रह जाएगा। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए रह जाएगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसमें एफिलिएट का सिस्टम रखना चाह रहे हैं या फिर चाहते हैं कि एफिलिएट में काम करें कोई बंदा या कोई नया कोई साइनअप करे, तो साइनअप करने पे नया कोई कैशबैक ऑप्शन दे, बड़ा अच्छा ऑप्शन से आप इसमें दे सकते हैं। जब भी कोई न्यू बंदा कोई साइन अप करे तो उसको आप कैशबैक दे सकते हैं, कोई प्रोडक्ट के अंदर रिव्यू करे तो उसको आप कैशबैक दे सकते हैं, कोई वेबसाइट में विजिट कर रहा है तो आप विजिट करने के लिए आप उनका डेली का डेली आप उसको पैसा दे सकते हैं, रेफरल कर रहा है तो उसे पैसा दे सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो ये चीज आप आराम से यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों का यूज करने से क्या बेनिफिट होता है, कस्टमर को एक लुभाना होता है, यानी अगर आप चाहते हैं कि ये कोई भी बंदा जब आपकी वेबसाइट पे आए या साइन अप करे तो उनको 10 रुपए कैशबैक मिले, तो आप इसको इनेबल कर दे, 10 रुपए देना, 20 रुपए देना चाह रहा जैसा देना चाहे वैसा दे सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ये सेटअप करना चाह रहे हैं कि जब कोई प्रोडक्ट्स आपके प्रोडक्ट्स का रिव्यू करे तो रिव्यू करने का भी आप उसको कुछ अमाउंट दें, पर रिव्यू पे उसको 2 रुपये जो भी देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं आपकी इच्छा। इससे क्या होगा, कस्टमर बाय करने के बाद उस प्रोडक्ट्स में रिव्यू करेगा तो पैसे लेने के लालच में, तो उसमें आप जो दूसरे कस्टमर थे उसको लगेगा हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत लोगों ने इसका रिव्यू किया हुआ है। अगर आप डेली विजिट का रुपये देना चाह रहे हैं, यानी कोई भी बंदा डेली नए नए चीजें अपने बाय करता है, हाँ यहाँ पे डेली विजिट का आप मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर मैनेज करना चाह रहे हैं या फिर वेंडर मैनेज करना चाह रहे हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं। कौन विजिट करेगा तभी पैसे मिलेगा, सब कोई विजिट करता है तो सबको भी दे सकते हैं आप, आपको इच्छा है। इसके अलावा रेफरल का है, कोई बंदा अपने फ्रेंड्स को आपकी वेबसाइट के बारे में बता रहा है या आपके ऐप के बारे में बता रहा है तो आप उसको लिमिटेशन दे सकते हैं कि पर डे 2-3 लोगों को बताने पे उनको जो है 10 रुपए तक का मिलेगा, जो 10 लोग पर डे बताएगा तो 10 रुपए। इससे क्या होगा कि आपका जो है ना कॉस्ट आपको बढ़ता जाएगा, यहाँ पे पर डे का लिमिटेशन दे दीजिए कि भाई 10 लोगों को आप शेयर 2 लोगों को शेयर करोगे तो आपको 10 रुपये मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ द न्यूमेरिक नंबर का यूजर नेम रखना चाहे ठीक, ये आपका एक रेफरल सिस्टम का जो ऑप्शन आ गया, तो ये ऑप्शन जो रेफरल सिस्टम का वो कहाँ मिलेगा, सिंपल ऑप्शन से आप क्या करेंगे माय अकाउंट पे जाएंगे, माय अकाउंट पेज पे जैसे ही आप ऑन करेंगे तो वहां पे आपको रेफरल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही साथ
आपको वहां पे वॉलेट का जो ऑप्शन मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पे वॉलेट के सिस्टम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये कितना बैलेंस आपका कटा, कितना आया। जैसे मैंने विजिट करा रहा था, विजिट का ये ऐड हो चुका है, तब बैलेंस ठीक है। आपको वॉलेट का पॉपअप है, ये आप वॉलेट का पॉपअप और देख सकते हैं। वॉलेट में हम रिचार्ज करना चाह रहे थे, रिचार्ज ऐड कर सकते हैं, आप जैसे करना चाहो वैसे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मेरे महीने का 3000 रुपए खर्च होता है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं रिचार्ज कर लूंगा, तो भी रिचार्ज कर सकते हैं। आप कैश ऑन डिलीवरी भी रिचार्ज कर सकते हैं, यानी पैसे देके भी रिचार्ज करा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी रिचार्ज करना चाहें आप रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप ट्रांसफर का वॉलेट ट्रांसफर एक अपने जो फ्रेंड है उस फ्रेंड को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, सिंपल ऑप्शन से आप ईमेल आईडी डालें, ईमेल आईडी डाल के आप ट्रांसफर करना चाहिए। ट्रांजेक्शन कितना हुआ है, नहीं हुआ है, वो आप देखना चाह रहे हैं, वो आप देख सकते हैं हुआ है, बाकी है कितने गया है, वो चीज आप। इसके अलावा जो कमेंट आपको बताया रेफरल वाला, तो रेफरल वाला सिस्टम भी आप यही सही है, यूज कर सकते हैं। आप मिलेगा आपको रेफरल का, ये आपका कोड है, इस कोड का यूज करके आप जितने भी लोगों को आप रेफर करेंगे, चाहे विजिट करें या फिर चाहे वो आपके ऐप में आए, ब्लूटूथ आपको दिखेगा, आप उसका आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये मैंने आपको रेफरल का ऑप्शन था, इसे से मैंने अभी कोई अगर प्रोडक्ट में बाय करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट्स में बाय करता हूँ, तो इसका जो क्रेडिट है वो क्रेडिट हमारे साइड में हो जाएगा। जैसे तो मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एक अंदाजा हो कि कैसे काम करता है, किस हिसाब से काम करता है। जैसे मैंने कभी यहाँ पे कैसा आपको 8 रुपए का मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दिया है और ये प्रोडक्ट मैं अभी बाय करना चाहता हूँ, तो इजीली आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा ऑलरेडी सारे चीज फिलअप है, ये इसमें ठीक अब आ चुका है, इसके बाद इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। डीलिंग लोकेशन ओके, ये लोकेशन भी आ गया। ये कस्टमर का ट्रैक करने के लिए, जीपीएस ट्रैक करने के लिए लोकेशन आप इसमें पर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा ऑर्डर आ चुका है, कैश बैक टैग का ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये जैसे कि मैंने विजिट किया तो मेरे पास किया बात था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक विजिटर आपको मिल गया। देखो ये रिफर किया है दो लोगों को और रिफर का अमाउंट आपको मिल गया है। मैंने यहाँ पर रिफर कर रखा था, यहाँ पे आपका 10 रुपये रखा था, दो लोगों को विजिट किया है, दो लोगों को विजिट कर रखा था, ये वॉलेट ने 131 रुपया छुपा है, 131 रुपया का आदमी है। ठीक है, अच्छा आप ये सवाल करेंगे कि यहाँ पे दो विजिटर क्यों हुआ, तो इसे भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास वॉलेट खुला हुआ था ये था वेंडर, एज ए वेंडर एक हो गया विजिटर, एज ए शॉपकीपर एक हो गया विजिटर, इसलिए इस तरह से इसको दो आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर आप ये चाहना है, ये देखना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट जब ऑर्डर हो जाए, फाइनल हो जाए, तो ये ऑर्डर गया कहाँ है, ये ऑर्डर हमारे वेंडर पे गया हुआ है, यहाँ पे ये आया वेंडर की तरफ से आया हुआ है या एज ए कस्टमर, तो इसको हम कंप्लीट जैसे ही कर देंगे तो हमारे कैशबैक का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन से भी ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने कंप्लीट अपडेट, हाँ ये अपडेट करने के बाद ही यहाँ पे देखे आप अगर यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट हो चुका है प्रोडक्ट्स, तो आपको इसको भी कैशबैक मिल जाएगा क्योंकि ये 500 से ऊपर का प्रोडक्ट नहीं था, नीचे का प्रोडक्ट था ये, जैसे 1000 से नीचे का प्रोडक्ट था ये, तो अब मैंने जो वहाँ पे कैशबैक सेट किया था वो 1000 के आसपास सेट किया था, देखता हूँ यहाँ पे कैशबैक आया नहीं, देखिए यहाँ पे भी कैशबैक आया क्योंकि उसका जो लिमिटेशन था उसके ऊपर नहीं पहुंचा है। अगर यही चीज अगर आप 1000 रुपये पहुंच जाता तो
तो खैर इनको रेफरल का अमाउंट मिल गया है, तो बस ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये, और अब जैसे मैनेज करना चाहते हैं। तो ये चीजें आ गई आपका पेमेंट गेटअप का, कैशबैक का, इसके बाद आप शिपिंग सेटअप का, टैक्स सेटअप का, व्हाट्सएप बिजनेस का। अब शिपिंग सेटअप भी मैंने इससे पहले बताया था, बता दू मैं आपको बता देता हूँ, पेमेंट सेटअप तो ऑलरेडी हो चुका है। अब से शिपिंग सेटअप का मतलब ये होता है कि आप अगर मल्टी सेटिंग्स रखना चाह रहे हैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग या फिर पिन कोड के अकॉर्डिंग, तो भी आप रख सकते हैं। वो कैसे होगा, किस हिसाब से काम करेगा, सिंपल ऑप्शन से इसके लिए कि आप शिपिंग सिस्टम आप अगर मैनेज करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, शिपिंग पे क्लिक करें, कूकोमर्स पे जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे, शिपिंग ऑप्शन से, शिपिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने पिन कोड वाइज अगर करना हो पिन कोड वाइज कर सकते हैं, एरिया वाइज करना हो एरिया वाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सिर्फ अपने एरिया में, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है दिल्ली का, तो दिल्ली का यहाँ पे शिपिंग सेटअप जो कर रखा है दो ऑप्शन से, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्लैट रेट रखा है आगे के फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग ये कब होगा, जब 500 से ऊपर का ऑर्डर होगा तब आप शिपिंग का ऑप्शन, फ्लैट रेट अगर 500 से नीचे का ऑर्डर होगा तो 20 रुपए चार्ज करेगा, ठीक है। दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है, इससे आप जो चीजें मैनेज कर सकते, इस टाइप से आप मल्टी शिपिंग ओपन कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं किसी पार्टिकुलर पिन कोड ही में आप करना चाह रहे तो पार्टिकुलर पिन कोड भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पार्टिकुलर एरिया में करना चाहें तो पार्टिकुलर एरिया में कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जैसे आपके रिक्वायरमेंट होगी आप। इसके बाद आप कर लेते टैक्स की बात, तो टैक्स में क्या मैंने आपको तो पहले भी बताया था टैक्स को सेटअप करना बड़ा ईजी है, उसमें आपको CGST एंड RGST अकाउंट सेटअप करना रहता है। जैसे कि मेरे यहाँ पे जो सेटअप कर रखा है 18% 12%, ये चीज आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे एक आप जैसे देख सकते हैं कि 12% जो मैंने किया हुआ है तो 6 CGST है और 6 RGST, आप ये देख के आप आराम से इसको मैनेज करना चाहते। इसके अलावा अगर 18% है तो 9 का आपका CGST होगा और 9 आपका RGST होगा, यानी स्टेट लेवल पे भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं और ये भी मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, जैसे अगर मुझे 18% मैनेज करना हो तो मैं दिल्ली का इंडिया का कोड आपको यहाँ पे IN देता हूँ, यहाँ पे दिल्ली का कोड DN देता हूँ, यहाँ पे जिस पिन कोड में हमें लिखना है जिस पिन कोड में डाल दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने ये पिन कोड पे दिया इसलिए पिन कोड पे होगा बाकी पिन कोड, ऐसा नहीं है। आप कोई पिन कोड आप यूज कर सकते हैं, जहां पे भी आप रहते हैं उस स्टेट में आप पिन कोड यूज कर सकते हैं। इसका ये 9% है, आप इसका नाम कर देता हूँ CGST, ये बनते रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये आपका प्रायोरिटी 2 रख। उसके बाद आप इसको सेव कर, ये सेव करते ही आपका 18% टैक्स से वो टैक्स इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा। तो खैर ये भी हो गया। अब इसके बाद का जो ऑप्शंस होता है वो होता है जो लास्ट ऑप्शन से वो है व्हाट्सएप बिजनेस। जी हाँ, व्हाट्सएप से आप बिजनेस कर सकते हैं, यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट से हैं उस प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी लेना चाहते हैं वाया व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप से बिजनेस कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप चैटिंग करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप चैटिंग कर सकते हैं। ऑप्शन से आप ये एक व्हाट्सएप के नाम से एक प्लगइन आएगा, आप वो जो है इंस्टॉल कर लीजिए। क्योंकि व्हाट्सएप का आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है, अगर यही व्हाट्सएप बिजनेस डाल दिया जाएगा, क्योंकि हर एक के पास ही व्हाट्सएप है, या व्हाट्सएप के जितनी चीजें लोग ज्यादातर यूज करते हैं और लोग व्हाट्सएप से ज्यादा विश्वास भी करते हैं। देखिए आप अपने प्रोडक्ट्स को अगर अपनी ऑर्डर लेना चाह रहे हैं या बल्क से मैनेज करना चाह रहे हैं व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप की चैटिंग के लिए है और आपके जो प्रोडक्ट्स है वो आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के लिए व्हाट्सएप और प्रोडक्ट्स दोनों दो चीज अलग अलग यूज कर सकते हैं और मैं दोनों चीजें बता देता हूँ क्या है।
कि व्हाट्स द प्रोडक्ट का और व्हाट्स द बिजनेस का, ये है मकसद। तो व्हाट्सएप प्रोडक्ट्स ये का सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको व्हाट्सएप क्या है। आप ये जब ये इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करते ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट में एक इसका सेटिंग करने के बाद अगर आप करते हैं बैठा रहे हैं देखने को अभी आया नहीं है तो सेटअप हुआ, ठीक है। तो ये आपका सेटअप किस तरीके से करेंगे, जब आप ये प्लग इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल करने के सेटिंग पे जाएंगे आपको सेटिंग पे मिल जाएगा जो है ये व्हाट्सएप चैट। अब उसके बाद दूसरी प्लग इन जो व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर डालेंगे, जो नंबर है आपका वो आप नंबर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी जो चैट किस तरह लिखना चाह रहे हैं लिख सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट चलेगा। अगर आप लिखना चाह रहे हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। एज एग्जाम्पल उसका जिसको आप सेव कर दीजिए, जैसे आप सेव करेंगे, हाँ ये ऑप्शन यहाँ पे और है कि अगर आप इसको डेस्कटॉप पे लिखे दिखाना चाहते हैं तो ओपन व्हाट्सएप वर्ड डायरेक्टली ऑन डेस्कटॉप, या फिर ओनली डिस्प्ले बटन ऑन मोबाइल। अगर आप ये चीजें करना चाहते हैं तो इसमें आपको मदद करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे व्हाट्सएप ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे ये अभी तक देखो कि ये अभी आ चुका है, व्हाट्सएप पे आ चुका है, ठीक है, ये आ गया। तो इससे आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, ये राइट में दिखाना है और लेफ्ट में दिखाना है ये आप चाहे, आप जैसा चाहते हो वैसे राइट लेफ्ट। इसके बाद आता है व्हाट्सएप का आपका प्रूफ कॉमर्स, यानी ये प्रोडक्ट्स के लिए होगा व्हाट्सएप। जब आप भी कोई प्रोडक्ट्स बाय करेंगे या कोई प्रोडक्ट्स देखेंगे तो वो आप व्हाट्सएप काम करेगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड में कोई आप इंक्वायरी ले जा रहे हैं या फिर कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं उस खास प्रोडक्ट के बारे में, तो आप जानकारी ले सकते हैं इस व्हाट्सएप के थ्रू, कॉमर्स व्हाट्सएप के थ्रू। ये जब आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप, ये आप व्हाट्सएप से भी ऑर्डर ले सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं जो ऑप्शन से अपने न्यू टैब नेट ऑर्डर कर मैसेज देना चाह रहे हैं। हाँ यहाँ पे कोई भी मैसेज देना चाह रहा है, मैसेज देते हैं हाय आई वांट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए ऑर्डर ये सेव करते ही आपको जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है उस प्रोडक्ट्स में आप ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद ऑप्शंस और आ जाएगा और यहाँ ये ऑप्शन बेटा ये आगे ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑर्डर पे ले जाएगा और इसमें लिख जाएगा हाँ यहाँ पे जो मैंने टैक्स लिखा था हाँ आई वॉन्ट टू दैट ये वॉन्ट ये इस तरह से ये टैक्स में आ जाएगा। उसके बाद किस ये प्रोडक्ट का लिंक आ जाएगा, ये प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट का लिंक दिया जाएगा, ताकि उसका रेट भी आ जाएगा उसके रेट है। उसके बाद फिर कस्टमर से जो होते हैं आराम से की जा सकती है बात कर सकते हैं, ठीक है। चैट करके स्टोर से बात कर सकते हैं, ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स था कि जो आज के बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है व्हाट्सएप बिजनेस। तो खैर ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। और अगर इसके अलावा भी आप इस वीडियो के अंदर कोई चीज रह गया हो तो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट बहुत टाइम हो गया, अराउंड लगभग लगभग एक घंटा 24 मिनट का तीसरा पार्ट हो चुका है। तो खैर के इस पार्ट में मैंने सबसे ज्यादा का मोबाइल कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि मोबाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आज के डेट में। तो आप इसके थ्रू आप चीजों को जान सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं कि किस तरीके से हम मोबाइल का यूज करके मोबाइल में व्हाट्सएप का फीचर भी बताएं, और इसके अलावा आप व्हाट्सएप बिजनेस को अच्छे से यूज करें, ठीक है। हाँ अगर का मौका मिले तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाट्सएप बिजनेस कैसे यूज किया जाता है, उसका आप बिजनेस के लिए क्या क्या लेवल्स यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा कस्टमर मैं भी व्हाट्सएप बिजनेस यूज करता हूँ, बहुत सारे लेवल्स हमारे पास है
इसके बारे में भी जानना चाह रहे जब मैं बताऊँ जिससे कमेंट्स करें मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज़।